कई सारे लोग कभी कभी कहते हैं गुरुदेव कुछ स्वास्थ्यवर्धक शक्तिवर्धक औषधियाँ निरंतर आप बताते रहे, तो इसी चीज़ को मैंने ध्यान में रख करके बता रहे हैं। एक तूफानी खीर पार्ट टू के नाम से है ये, और आप जो है इसका लाभ उठा सकते हैं। क्या करना है आपको, 20 ग्राम मखाना आपको 2 गिलास बकरी के दूध में या फिर भैंस के दूध में आपको डाल के धीरे धीरे आग पर खौलाना है, और इसमें 2 सफ़ेद इलायची फोड़ करके तोड़ के चूर्ण बना के डाल देना है, ठीक है। और इसके साथ में इसके अंदर खाने वाला जो कपूर होता है वो एक चुटकी डालना है, लेकिन वो कब डालना है, जब ये खीर धीरे धीरे बन के तैयार हो जाए तब, और इसमें कच्ची खांड मिलाना है खीर बनते समय, ठीक है ना। इसका आप लाभ उठा सकते हैं, आप शाम को खा सकते हैं सोने से पहले, बच्चों को भी, छोटे बच्चों को जिनकी याददाश्त कमज़ोर हो रही है, हड्डियाँ कमज़ोर हो रही हैं, थकान है, सांस फूल रहा है ना, जिनका वीर्य जल्दी आउट हो जाता है, नसें नाड़ियाँ कमज़ोर हो गई जिसकी, इसमें हो सके तो जब खीर बन रही हो तो एक चुटकी दालचीनी का पाउडर भी डाल दें। हालांकि इस पर तूफ़ानी चूर्ण, सुपर तूफ़ानी चूर्ण जैसे हम प्रस्तुत कराते हैं लोगों को, लेकिन वो थोड़ा कॉस्टली, इसलिए सभी लोगों के लिए उपयोगी नहीं हो सकता है, सभी नहीं खरीद सकते। ओम शांति, ओम क्रांति। जनहित में वीडियो अधिक से अधिक शेयर करें, ये बूढ़े जवान बच्चों सबके लिए, स्त्री पुरुष सबके लिए है।